इलेक्शन कमीशन बगैर किसी खौफ और दबाव के अपना काम जारी रखेगा, ये कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। हमें जब कहा जाएगा हम इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा, सिकंदर सुल्तान राजा की जानिब से कहा गया। मजीद कहा, आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन अपना काम जारी रखे हुए है। सियासी जमातों की गैर मुल्की फंडिंग के मामले पर मुतालिका वकला दलाइल दे रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना है। और इलेक्शन कमीशन तमाम फरीकान को हर मुमकिन मौका फराहम कर रहा है। पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे अभी तक नहीं मिले, कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे आते तो हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करते, ये कहना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। इलेक्शन कमीशन बगैर किसी खौफ और दबाव के अपना काम जारी रखेगा। इसी हवाले से तफसीला जानेंगे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन बताइएगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो दो नए इलेक्शन कमीशन के अरकान उनके अल्फबरदारी की तकरीब हुई, और इस तकरीब के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक दफा फिर ये वाजे किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वक्त इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। जब भी कहा जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा देगा। इसके साथ उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी खौफ और दबाव के अपना काम जारी रखेगा, और इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में जो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात हैं उसके सिलसिले में भी अपना काम जारी रखे हुए है, और जो इनिशियल डिलिमिटेशन की लिस्ट हैं वो भी गुज़िश्ता रोज जारी कर दी गई हैं, और इसके साथ साथ जो आईनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं और आइंदा भी पूरी करते रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्तलिफ सूबों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात भी करवाए गए हैं, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम जो फरीकैन हैं उन्हें पूरा पूरा मौका दे रहा है, पूरे तरीके से सुन रहा है, और इस सिलसिले में जो है वो जब उनके तमाम लोगों के दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी सुना देगा। इसके साथ दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे तो फैसला भी सुना दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया मोहम्मद।